हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर्स तो हालांकि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो क्या है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, तो उसके देखिए, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है। ये क्या है? एक ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है। जब एबीसी ट्रायंगल के किसी भी इसके साइड को हम एक्सटेंड करेंगे, सपोज दैट मान लेते एक दो तीन पेन ले लेते हैं, ठीक है, पेंसिल ही है, पेन दो कलर का नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए, मान लेते सपोज इस बीसी साइड को हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको कहां तक, डी तक एक्सटेंड करते हैं। तो ये जो है क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। सपोज मान लेते हैं कि हम इस साइड को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इस साइड को एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है। सपोज हम क्या करते हैं, इस साइड को एक्सटेंड कर लेते हैं, इस साइड को एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका मान लेते हैं एफ हो गया। तो ये एंगल जो है क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ये बी है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। मतलब जो है ट्रायंगल के किसी भी साइड को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो उसकी जो नेक्स्ट साइड है और जो एक्सटेंड की साइड, उसके बीच में जो एंगल बनता है, इसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या है? एक्सटीरियर, यहां पर लिख रहा हूं मैं एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, अंडरस्टूड। अब देखिए क्या होता है, तो अगर हम मान लेते हैं तो ये एक्सटीरियर है और इस एंगल के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ठीक है। इसका थोड़ा नेमिंग कर देता हूं ताकि अच्छा हो। मान लेते हैं वन टू और ये थ्री, ठीक है। तो यहां देखिएगा, तो अगर हम मान लेते इस एंगल को हम ट्रीट करते, मान लेते इसको एंगल फोर, ठीक है, तो एंगल फोर का एक्सटीरियर एंगल कौन है, एंगल फोर के सामने कौन सा एंगल, इसके देखिए जो एंगल उससे सटा होगा उसको छोड़ देंगे, बाकी दूसरे एंगल पे ध्यान देंगे, एक ये एंगल और ये एंगल। तो ये दो एंगल जो है क्या है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, किसके, इस एक्सटीरियर एंगल का। तो एंगल फोर का इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, एंगल वन होगा और दूसरा एंगल टू होगा, ठीक है। अगर मान लेते इसे फाइव लेते, इस एंगल फाइव के एक्सटीरियर एंगल, देखिए ए फाइव का एक्सटीरियर एंगल यह हो गया, इसका इसको सॉम करेंगे, एक्सटीरियर एंगल हो गया और यहां पे लिख रहा हूं एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर, और यहां पे लिख रहा हूं इंटीरियर, इंटीरियर अपोजिट, अपोजिट एंगल, समझ गए। तो यहां देखिए, तो अगर हम मान लेते एंगल ये एक्सटीरियर एंगल ले, तो एक्सटीरियर एंगल ले, तो इसका इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, यह होगा टू और थ्री, तो कौन होगा टू और थ्री। अगर मान लेते हैं ये सिक्स ले लेते हैं, अगर ये एक्सटीरियर हमको अगर हम सिलेक्ट करें तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसका सामने वाला कौन सा है, एक यह है एक यह है, तो एंगल सिक्स का हो जाएगा आपका, इसको इसको यहां पे एंगल वन और एंगल थ्री, समझ गया। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट का कंसेप्ट क्या है कि अगर हम ट्रायंगल के किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हैं तो वह लाइन, वह रे और जो साइड है, अदर जो साइड है उसके बीच में जो बाहर एंगल बन रहा है उसको कहेंगे एक्सटीरियर, और इंटीरियर अपोजिट, उसके इंटीरियर अपोजिट कौन सा होगा, मतलब जो एंगल उससे अटैच होगा उसको छोड़ के जो भी दो एंगल बच रहा है वह उस एंगल का इंटीरियर एंगल होगा। तो हमने क्या किया है कि जैसे देखिए, अब इसको मान लेते ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, यह मान लेते वन, यह मान लेते टू, यह मान लेते थ्री। मान लेते सपोज आपको यहां पे थ्योरम प्रूव करके दिखाना है कि इसमें क्या थ्योरम आती है, उसको मैं बता रहा हूं। सपोज मान लेते इस बीसी साइड को हम एक्सटेंड कर रहे हैं डी तक, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसको हम फोर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये थ्योरम एक है, एक थ्योरम है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके दो इंटीरियर जो अपोजिट एंगल है उस दोनों के सम के इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे एंगल फोर जो है एक्सटीरियर एंगल है
और एक्सटीरियर एंगल 4 के अपोजिट दो इंटीग्रल कौन है, एक 1 है 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। यही होता है एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, जो होता है दो इंटीरियर मतलब अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, समझ गए। ये इसी को हमें प्रूव करना है कि कैसे जो है, कैसे एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, कैसे होता है उसी को चलते हैं थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो देखिए यहां देखिएगा, अब कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल थ्योरम, इफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। हमको क्या करना है, इस थ्योरम को प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने दोनों इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसके सम को इक्वल होती है। तो चलिए इसको प्रूव करके दिखाता हूं। तो यहां देखिएगा, मान लेते सपोज एक यह ट्रायंगल है, सपोज क्या है एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को हम क्या कर रहे हैं एक्सटेंड कर रहे हैं किसी भी एक साइड को ए बी सी, ठीक है, और इस किसी भी ट्रायंगल किसी भी एक साइड को हम क्या कर रहे हैं एक्सटेंड कर रहे हैं। तो मान लेते सपोज इसमें कोई भी साइड को एक्सटेंड कर दे, क्योंकि आपको जो पहले हमने बता रखा है कि आप किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हो तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड होते हैं। तो सपोज मान लेते इस बीसी को हम आगे फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं इस डी पॉइंट तक, तो आप जानते हैं ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, और इस एंगल का नेमिंग कर देता हूं, मान लेता हूं ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया और ये एंगल 3 हो गया और इसे 4 रिप्रेजेंट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव प्रूव करना है कि एंगल जो है एंगल 4, देखिए एंगल एंगल 4 जो है वो इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, ठीक है, मतलब हमें यही प्रूव करना है कि एंगल 4 जो है वो जो इस एक्सटीरियर एंगल का जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उस दोनों के सम के इक्वल है, मतलब इस दोनों को ऐड करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, मान लेते हैं यहां पे लिखते हैं प्रूफ करने चलते हैं प्रूफ, ठीक है, लेट मान लेते हैं कि साइड ए बी सी, इस बी सी को एक्सटेंड किए लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रूफ करें, लेट बी सी साइड ऑफ ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक्सटेंड एक्सटेंड टू डी, डी तक एक्सटेंड कर दिया तो एक्सटीरियर एंगल तो सो इसलिए एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड, ठीक है, तो एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड जाता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब ट्रायंगल चलते हैं एबीसी में, देखिए अब इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में आते हैं तो आपने एक सॉरी आपने जो है एक थ्योरम और से पढ़ा है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है ना 180 होता है, क्या होता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है वह कितना होता है 180 होता है। इसका मतलब अगर हम एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करें तो इस तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, ठीक है, दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 180 हो जाएगा। ये क्या कौन सा थ्योरम है कि सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ये जानते हैं। अब देखिए एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, एक और थ्योरम पढ़ा है कि अगर जो है एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है या कोई रे है उस पे कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क करो और वहां से जब दो रे या कितनों भी रे निकले तो उसके बीच में दो रे निकले या दो लाइन सेगमेंट निकले तो
उसके बीच में जो भी एंगल बनते हैं तो सभी एंगल का सम 180 होता है। दैट मीन्स ये क्या है, एक मान लेते हैं रे है या लाइन, इसको फर्दर एक्सटेंड कर दो तो लाइन बन जाएगा। तो अब यहां से क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पॉइंट सी से एक रे निकल रहा है, रे निकल, इसको आगे एक्सटेंड कर दो तो रे भी बन जाएगा, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना होगा, 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। तो इसका मतलब जो है एंगल जो है 3 प्लस एंगल 4 का सम 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, समझ गया। उसके बाद देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपना इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब जानते हो कि अगर इक्वेशन केस में अगर उसके आरएचएस इक्वल हो जाते हैं तो एलएचएस ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, अगर एलएचएस इक्वल होते हैं तो उसके आरएचएस जो होता है वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, जानते हैं। तो इसका मतलब इस दोनों इक्वेशन का आरएचएस इक्वल है, इसका मतलब इसका एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा। That means angle 3 plus angle 4 equal to angle 1 plus angle 2 plus angle 3. तो अगर आप ध्यान देंगे angle 3 से angle 3 cancel हो गया, तो angle 4, क्योंकि angle 3 की तो जाओगे तो 0 हो जाएगा, तो angle 1 plus angle 2. देखिए हमें यही तो proved करनी थी कि angle 4 का जो equal होगा angle 1 plus angle 2 के, जो हमें proved करना था, proved कर दिए। अब देखिए इसमें कुछ एक कंसेप्ट जान लेते हैं, मैं बता रहा हूं कि देखिए एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, एक्सटीरियर एंगल या अपने इंटीरियर किसी भी एक इंटीरियर अपोजिट एंगल से ग्रेटर होता है। जैसे मान लेते हैं यहां देखिए, यहां पे यही मैं समझा रहा हूं कि यह एंगल 4 जो होता है वह एंगल 1 से भी ग्रेटर होता है और एंगल 2 से भी ग्रेटर होता है, समझ गए। कि मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल से, प्रत्येक इंटीरियर अपोजिट एंगल से, मतलब जो दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है उनसे ग्रेटर होता है, समझ गए इसका कॉन्सेप्ट। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो एक्सटीरियर एंगल अगर ट्रायंगल के अंदर जो होता है, ट्रायंगल किसी भी साइड को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब इससे इसपे जो था हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि अपना जो भी डाउट है इससे रिलेटेड सारे डाउट खत्म हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं, यहां देखिए एग्जाम्पल 1 में कह रहा है कि इन द गिवेन फिगर फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कह रहे देखिए एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल एबीसी की जो बीसी साइड है उसको एक्सटेंड किया गया डी तक, ओके। तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल बन जा रहे हैं, उसकी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और इस ट्रायंगल के एक एंगल का वैल्यू दिया है, कह रहा है बाकी दो एंगल से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, समझाते हैं आपको कंसेप्ट। देखिए मान लेते हैं कि यह ट्रायंगल है, समझिएगा यह क्या है, एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को हम क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते। कौन सा साइड एक्सटेंड किया गया, ये ए, ये बी और सी, इस बी सी को एक्सटेंड कर दिया गया डी तक, तो यह एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया है 125 डिग्री, ठीक है, और इसकी वैल्यू दिया है y डिग्री, इसकी वैल्यू दिया है x डिग्री, एंड ये दिया हुआ है 65 डिग्री, ओके। तो देखिए अब हमें x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, काफी इजी है, कैसे। तो देखिए हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, सॉरी हम क्या हमें बक दिया, वो नहीं, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल हो जाते हैं, होते हैं। तो देखिए वो भी कंसेप्ट, देखिए कितने तरह से बनेगा, अगर आप यहां पे लीनियर पेयर लगा देते हो वाई के वैल्यू निकाल लोगे,
और उसके बाद ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल्स है उसका सम 180 डिग्री होता है, उससे भी सॉल्व कर लोगे, या एक्सटीरियर एंगल का भी कंसेप्ट लगा लोगे। तो देखिए, तो 125 जो होता है इक्वल होगा x प्लस 65 के, क्यों? क्योंकि जो है इस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल कौन है, एक यह है और एक यह है, ठीक है। तो डेट मीन्स जो है 125 माइनस 65 इक्वल टू x, ओके। देन यह 5 में से 5 गया 0 हो गया, और यह कितना 12 में से 6 गया 6, ठीक है x। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब हमें y के वैल्यू निकालना है, तो y के वैल्यू को आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो ट्रायंगल के अंदर जो है एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यहां पे चाहे लिनियर पेयर प्रॉपर्टी सॉल्व कीजिए। तो देखिए y या किन कॉन्सेप्ट है, यहां पर लिख दीजिए एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके बाद देखिए, तो y प्लस 125 इक्वल टू 180 डिग्री किससे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां देखिए, तो y इक्वल टू 180 माइनस 125, तो 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 2 गया 5, 55, मतलब y का वैल्यू जो था 55 एंड x का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, समझ गए। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड एंड एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज 120 डिग्री इफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी इन द रेशियो 3:5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं यह ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, और कह रहा है कि इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को आप एक्सटेंड कर दो, मान लेते हैं बीसी साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो यहां पे कहता है कि और इसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो रेशियो के फॉर्म में है, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल यह हो गया और यह हो गया, यह रेशियो के फॉर्म में दिया है, कितना दिया है 3:5 के फॉर्म में दिया हुआ है, और कह रहा है कि ट्रायंगल के सभी एंगल के वैल्यू पता कीजिए, कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए ये रेशियो दिया, इसका मतलब अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएंगे, ओके। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल दिया है, हाँ एक्सटीरियर एंगल दिया है 120 डिग्री, ठीक है। तो हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी एक्चुअल एंगल क्या होगा, तो मान लेते लेट द एंगल्स बी 3x एंड 5x रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लेट द एंगल, यहां पे कौन सा लेट द एंगल ए, यहां पे लिख लेते हैं एंगल ए एंड बी, ठीक है, एंगल ए एंड बी 3x एंड 5x रेस्पेक्टिवली, ओके। तो उसके बाद देखिए 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना, इसको यहां पर मेंशन कर देना, इसको मान लेते 3x हो गया और ये 5x, ठीक है, ओके डन। देन इसका सम, इसका कितना होगा 120, किससे, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो कितना 8x इक्वल टू 120, देन x इक्वल टू 120 बाय 8, 4 से इसे कैंसिल करते हैं, 4 दुना 8, 4 तीन 12 और 2 से 15, ठीक है, x इक्वल टू 15 आ गया, देन x इक्वल टू 15 आया, देन तो 3x इक्वल टू क्या होगा 3 × 15 कितना होगा 45 डिग्री, मान लेते एंगल ए का वैल्यू जो है 45 डिग्री हो गया, एंगल बी का वैल्यू कितना हो गया, इसको हमने माना था 5x, तो 5x हो गया, इसको ब्रैकेट में रखेंगे ताकि दिखे, एंगल बी 5 × 15 कितना होगा 75, तो एंगल बी का वैल्यू जो है 75 डिग्री हो गया। और एंगल सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वहीं लगाएंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू
180 डिग्री, ओके। देन एंगल ए का वैल्यू यहां पे 45 डिग्री दिया है, बी का वैल्यू 75 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस जो है कितना होगा, 5 × 5 = 10, 7 × 4 = 11, 1 = 12, कितना एंगल सी का वैल्यू जो है 60 डिग्री आ गया। तो हमने तीनों एंगल के वैल्यू पता कर लिया, एंगल ए का वैल्यू 45, बी का वैल्यू 75, सी का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद थ्री में कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, कर इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 360। चलिए इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। कह रहा है कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, देखिए एक ट्रायंगल है, मान लेते ए बी और सी, ये ट्रायंगल है। कह रहा है इसके तीनों साइड को एक्सटेंड कर दो, तो मान लेते बीसी को एक्सटेंड कर रहा है, इसे फर्दर एक्सटेंड कर रहा है तो यहां तक डी तक, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जा रहा है एक्सटीरियर एंगल, और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं एसी को एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसको मान लेते ई हो गया। अब एबी को एक्सटेंड कर रहे हैं फर्दर, तो एबी को एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये अपना एक्सटीरियर एंगल बन जा रहा है, और यहां पर एक्सटीरियर एंगल, और इसको मान लेते हैं एफ। तो हमें कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल मान लेते हैं, यहां देखिए ये मान लेते एंगल वन हो गया, ये एंगल टू हो गया, और ये एंगल थ्री हो गया। तो हमें प्रूव करके दिखाना है, हमें दिखाना है कि प्रूव करना है कि एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री का सम जो होगा 360 होगा। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब कह रहा है कि अगर ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, अगर उस ट्रायंगल के तीनों साइड को आप फर्दर एक्सटेंड करते हो तो एक्सटीरियर एंगल बन जाते हैं, ये जाहिर सी बात है। तो कह रहा है जो भी एक्सटीरियर, तीनों एक्सटीरियर एंगल के सम को अगर आप ऐड करते हो तो 360 डिग्री आता है। तो इसको प्रूव करके दिखाइए कि अगर हम तीनों एक्सटीरियर एंगल के सम को ऐड करेंगे तो 360 कैसे आता है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। यह तो होता है 360, लेकिन कैसे होता है उसको दिखाना है। तो चलिए इसको हम प्रूव कर लेते हैं। देखिए, तो इसको प्रूव करने के लिए हम जाहिर सी कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, हम यही इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो हमने इसमें पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, जो एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, जो अपोजिट एंगल है उसकी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यह एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल हो जाएगा, उसको दोनों एंगल का सम कर, हाँ जी। तो चलिए, तो एक्सटीरियर यहां पे लिख रहे हैं, वी नो डेट एक्सटेरियर एंगल जो होता है, यहां लिख रहे हैं एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल इक्वल जो है इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो है एंगल वन जो है वह इक्वल हो किससे, देखो एक्सटीरियर वन का इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा, एक एंगल ए है एक बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी। अब देखिए टू के, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, इस टू का इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन होगा, एक बी एक सी, ठीक है। टू का कौन सा होगा, एक बी होगा दूसरा सी होगा। उसके बाद एक यहां पे एक्सटीरियर एंगल है एंगल थ्री, इस थ्री का इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एक ए और एक सी, समझ रहे हो। तो एंगल थ्री का जो इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक एंगल एंगल थ्री कौन कौन सा होगा, ए प्लस सी, यह मान लेते इक्वेशन वन हो गया, यह इक्वेशन टू हो गया, यह इक्वेशन थ्री हो गया, ठीक है, यहां तो समझ गए। अब यहां देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, तीनों को देखियो, एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में, एडिंग बोथ साइड, ठीक है। तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है। तो यहां देखिए, तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू, देखिए ए ए टू ए टू ए, बी बी टू बी, सी सी प्लस टू सी। तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री का सम कितना, देखिए सम में टू है, टू कॉमन कर लेंगे, टू इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू टू। और एक बात समझिए, आप जानते हो यह कंसेप्ट कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इसके बदले जो होता है, क्या जो है, हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी के बदले 180 लिख सकते हैं। या क्या बात है इसी, 180 लिख दिया। तो डेट मीन्स एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 360। हमें यही ना प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया, हुआ कि नहीं, यहां पर लिख लीजिए प्रूफ, हो गया ना, कितना इजी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाने में, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट आपको रह गया हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपके कमेंट के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।